हेलो गाइस, कैसे हो आप सब गाइस। 5 साल पहले मैंने किकअप करना सीखा था और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और उसके बाद से मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी थी क्योंकि मैं अदर स्किल्स सीखने में बिजी हो गया था। तो आज 5 साल बाद मैं चेक करूंगा इस वीडियो में कि क्या मुझे अभी भी किकअप करना आता है और मैं किस लेवल तक अभी कर सकता हूँ किकअप। तो चलो देखते हैं मैं इस स्किल को भूला तो नहीं। पहले मैंने किकअप के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो प्रैक्टिस किए। पहला है बैक रोल, दूसरा है बैक हैंड किकअप, फिर तीसरा है नी टकिंग। तो ये मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था और उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ तो फिर मैंने इन तीनों को एक साथ परफॉर्म किया। जब मैंने किकअप करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि प्रैक्टिस ना होने के कारण मेरा जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था मेरे पैरों पे। कुछ देर बाद मुझे आइडिया आ गया कि मुझे अब बैठना कैसे है, कितना फोर्स लगाना है। तो धीरे धीरे करके मैं किकअप करते करते बैठने लगा। हटा देते हैं कहीं लग जाए तो इंजरी ना हो जाए। और अभी ट्राई करते करते मैं कई बार गिरा भी, पर उससे मुझे आइडिया हो गया कि मुझे कितना फोर्स लगाना है और किस तरह से बैठना है। काफी देर मुझे किकअप के बाद बैठने में लग गई। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैं अपने आप को आगे पुश करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अभी भी किकअप के बाद बैठना मुझे नहीं आया। बीच बीच में मैंने 5-5 मिनट के गैप लिए जिससे कि मेरी बॉडी थोड़ी रिलैक्स करे और मैं फिर से किकअप करना शुरू करूँ। थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद मुझे किकअप के बाद बैठना आ गया। एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, लेकिन आखिरी में मैं बैठना सीख गया। फिर मैंने प्रैक्टिस की किकअप के बाद सीधे खड़े हो जाने की। उसमें भी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि पैरों का बैलेंस नहीं बन पा रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके वो होने लगा। तो गाइस, आखिरकार मैंने किकअप को फिर से परफॉर्म कर लिया। चाहे टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन अगर आप फिर से प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस स्किल को फिर से परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, 5 साल बाद अगर हम किसी स्किल को ट्राई करते हैं तो उसे फिर से परफॉर्म करने में बहुत टाइम लग जाता है और कई बार हमें फिर से प्रैक्टिस करनी होती है और फिर से चोट लगने का डर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने करीब 50 बार किया है, तब जाके मैं फिर से उस फॉर्म में आ पाया हूँ कि किकअप करके खड़े हो जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।